हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली एंड धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रिमझिम फ्रॉम पटना। आई हैव माय ओन नर्सिंग होम इन आशियाना दिघा मेन रोड। इट इज MS यूरोगाइनी एंड स्टोन सेंटर। वी प्रोवाइड सर्विसेज इन यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। माय हस्बैंड इज MCH यूरोलॉजी, सो ऑल काइंड्स ऑफ यूरोलॉजी केसेस आर डील्ड हियर। I am in practice for last 15 years, so all kinds of gynae and ops cases are dealt in my clinic. Okay, I am here to deal with the topic vitamins in the pregnancy. First of all, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि vitamins जो है हमारे शरीर में एक micronutrients जैसे हैं जिनका हमारे शरीर में बहुत बड़ा role होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। विटामिन्स जैसे विटामिन्स हुए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हुए, मिनरल्स हुए, ये सब का भी हमारे हमारे न्यूट्रिशन में काफ़ी रोल है। और इसमें प्रेगनेंसी में भी कुछ विटामिन्स की ज़रूरत बढ़ जाती है, जिसको जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आयोडीन हुआ, फॉलिक एसिड हुआ, आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, थायराइड हार्मोन्स हुए, इन सब का रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। हम लोग आज उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है कि प्रेगनेंसी में विटामिन हम कब शुरू करें। प्रेगनेंसी के लिए हम लोग विटामिन जैसे फोलिक एसिड है, उसको हम लोग प्रेगनेंट अगर कोई एक कपल प्लान कर रहा है कि हमको बेबी प्लान करना है, तो हम प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स पहले से ही हम लोग फोलिक एसिड शुरू कर देते हैं। पहले से देने का मतलब यही है कि बॉडी में वो जो है कुछ बेबी का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है, जो कि अगर मदर डिफिशियंट है फोलिक एसिड में, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो बेबी में होने का चांसेस रहता है। जैसे आप देखते होंगे किसी का पीठ की रीढ़ जो है, बच्चे का रीढ़ जो है वो गड़बड़ है, या रीढ़ टेढ़ा मेढ़ा है, या रीढ़ दो जगह से फटा हुआ है, या ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं है, ये सबका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, जो कि फोलिक एसिड डिफिशियंसी से होता है। तो हम लोग प्रीनेटल हम लोग फोलिक एसिड देते हैं। फोलिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही आता है। ये वाटर सोल्युबल विटामिन है। ये यूजुअली आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग मदर्स को फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन 3 मंथ्स ऑफ बिफोर प्रेगनेंसी हम लोग शुरू कर देते हैं। फोलिक एसिड यूजली 5 मिलीग्राम के नाम 5 मिलीग्राम के डोज में हम लोग देते हैं, और बोलते हैं कि इसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है। जिनको पहले से न्यूरल ट्यूब बेबी का डिफेक्ट हो, या जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री हो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या किन्हीं का पहला बेबी जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से आया, तो हम लोग उनको शुरू कर देते हैं, और प्रीनेटली हम लोग सबको शुरू कर देते हैं। दूसरी बात हुई कि हमारा आयोडीन, हमारा विटामिन जो है आयोडीन, ये जो है ये भी काफ़ी हेल्पफुल है बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में काम आता है। अगर माँ को थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी है, तो पता चलेगा कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे का ग्रोथ, ये सब रिटार्डेड हो जाएगा। तो इसी के लिए जैसे पेशेंट प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी से पहले भी, हम लोग एक थायराइड हार्मोन चेक कराते हैं। अगर थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो हम लोग मीन्स वो हाइपोथायराइड है, TSH बढ़ा हुआ है, तो हम लोग थायराइड देना शुरू कर देते हैं, नहीं तो पेशेंट को कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। फिर हमारा हो जाता है, अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ, देन वी आल्सो गेट 1 थायराइड टेस्ट डन, कि अगर उसके बाद जो है हमारा ये ब्रेन डेवलपमेंट सही हो। कई बार होता है कि थायराइड का पता नहीं रहता पेशेंट्स को, और पेशेंट को मिसकैरेज हो जाता है। हम लोग टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है, जिसके कारण मिसकैरेज हो गया। थायराइड का बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी के बेबी के डेवलपमेंट में। उसके बाद हम आते हैं फोलिक एसिड हो गया, थायराइड हो गया, आयरन, कैल्शियम, ये सब विटामिन जो है। आयरन जो है आप सबको ही जानते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में काम आता है, बच्चे के मदर के खून बनने में सहायता करता है। ये प्राइमरी कंपोनेंट है हमारा हीमोग्लोबिन का। तो हम लोग आयरन सप्लीमेंटेशन जो है हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग इसलिए नहीं देते कि वी डोंट नो कि हमारा कोई भी ट्रेडनेम से जो आयरन आ रहा है उसका बाइंडर्स क्या है, उसमें क्या कंपोजिशन है, क्या उसमें स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स मिलाया गया है। दे कैन डू जो भी ऑर्गेनोजेनेसिस होता है किसी भी बेबी का, वो फर्स्ट 12 वीक्स में होता है। तो हम लोग उसमें जितना कम सप्लीमेंट देना चाहें हम लोग उस समय देते हैं।
कि उसमें है कि अगर मान लीजिए कोई बाइंडर, वी डोंट नो कंपनी ने क्या बाइंडर मिला, या अगर वो कोई और न्यूरल कोई डिफेक्ट करा देता है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट करा देता है, जेनेटिक म्यूटेशन या फिर कुछ में मदद कर देता है, तो फिर हमारा बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी के लिए हम लोग आयरन कैल्शियम जो है सप्लीमेंटेशन सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू करते हैं। दूसरा चीज़ एक आयरन फॉलिक एसिड के साथ आ जाता है, वो है DHA। DHA ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सही माना जाता है बच्चों के। इट इज़ डॉक्सा हेक्सोइक एसिड। ओके, तो इसमें जो है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आप देखते होंगे आजकल जो भी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन मदर के लिए आता है या जो बेबी के लिए आता है, उसमें सब में DHA रहता है कि वो ब्रेन डेवलपमेंट में जो है माइलिनेशन ये सब में मदद करता है। इसलिए वो भी आजकल हर एक फॉलिक एसिड के साथ, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के साथ वो DHA का कंपोनेंट आने लगा है। तो उसको हम लोग थ्रू आउट प्रेगनेंसी देते हैं कि वो जो है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम आप जानते हैं कैल्शियम हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा कैल्शियम बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये सबको पता है कि जो भी न्यूट्रिशन माँ माँ बेबी को मिलता है वो मदर के शरीर से ही मिलता है। बच्चा जब पेट में रहता है तो जो भी न्यूट्रिशन, जो भी रिक्वायरमेंट है, दे गेट इट फ्रॉम द मदर ओनली। तो अगर मदर डिफिशियंट रहेगी किसी किसी फैक्टर में, तो ऑब्वियस है बेबी भी डिफिशियंट रहेगा, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, बच्चा छोटा निकलेगा, स्मॉल फॉर डेड बेबी हो जाएगा। ये सब हमको ध्यान में लेके चलना होगा। तो कैल्शियम हम देते हैं यूजुअली 500 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर डिफिशियंट मदर है, ज़्यादा कैल्शियम डिफिशियंसी है, तो वी गिवन एट द डे डोज ऑफ 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। ओके, फिर अब हम आते हैं कि सप्लीमेंटेशन जो है ये कब तक कंटिन्यू रखना चाहिए। सप्लीमेंटेशन फर्स्ट ट्रेमेस्टर, सेकेंड ट्रेमेस्टर, थर्ड ट्रेमेस्टर में तो देना ही है, और साथ में जो हमारा लैक्टेशन पीरियड रहता है शुरू का 3 मंथ्स और लास्ट का 3 मंथ्स, मतलब मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हम लोग ये सप्लीमेंट कंटिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि मदर बेबी जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है, जो भी न्यूट्रिशन है वो मदर मिल्क से आता है। मदर अगर हेल्दी है तो बेबी का बेबी भी मदर मिल्क हेल्दी होगा और बेबी को हेल्दी मिल्क मिलेगा, नहीं तो सिर्फ वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा बेबी मदर मिल्क में। इसीलिए हम लोग ये सब जो भी सप्लीमेंटेशन है वी कंटिन्यू इट फॉर 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। ओके, और हमारे पास कुछ अब क्वेश्चंस हैं जो मैं डील करने जा रही हूँ, जो हम आपकी तरफ से आए हुए हैं। दिस इज माधवी कोलरा, व्हाट फूड्स आर हाई इन फॉलिक एसिड। जैसे मैंने बोला ही है कि फॉलिक एसिड जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी हमारा साग साग है, सब्जी है, जो भी ग्रीन चीज है, उसमें फॉलिक एसिड जो है वो काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो मदर मदर को बोल इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हरी सब्जियां खाएं, साग खाएं, उसमें आयरन की भी, स्पाइनच जैसे पालक, अभी आजकल पालक का सीजन है तो उसमें आयरन रिच फूड होता है वो, या गुड़ है हमारा, वो उसमें भी आयरन काफ़ी होता है। ठीक है, फॉलिक एसिड हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाएगा। नॉन वेज में विटामिन B12 ज़्यादा रहता है, जो जो भी है जो कि प्रेगनेंसी में अच्छा रोल प्ले करता है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन शुड आई स्टार्ट मल्टी विटामिन टेकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यू कैन टेक, मैं तो हमेशा सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही देती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई डोंट गिव एक्सेप्ट फॉर फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड और DHA ही देते हैं। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर से मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स का कॉम्बिनेशन जो आता है वी स्टार्ट। एंड इज मल्टी विटामिन सेफ इन प्रेगनेंसी? यस, इट इज 100% सेफ। यू कैन कंटिन्यू इट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड इन लैक्टेशन ऑल्सो। इट इज कविता, कैन आई स्कीप माई प्री नेटल विटामिन वन डे? यस, यू कैन स्कीप, बट नॉट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, 1-2 days इज ओके। इफ यू मिस वन टैबलेट इन द मॉर्निंग, यू कैन टेक इन द इवनिंग, नो प्रॉब्लम। दिस इज दुर्गा सालवी, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई बेबीज ब्रेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ओके, मैंने अभी ही कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि DHA सप्लीमेंटेशन आजकल काफ़ी शुरू हो गया है, जो फॉलिक एसिड के साथ आता है या जो प्रोटीन पाउडर्स रहते हैं उसमें भी DHA काफ़ी रहता है, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करता है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में, जो
बेबी हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट में. यू कैन गिव इट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब बच्चे जब 1 साल 2 साल 6 2 3 साल के हों तो भी आप दे सकते हैं. डीएचए सप्लीमेंटेशन का प्रोटीन पाउडर भी आ रहा है. एंड वर्सा आयरन टैबलेट टिल डिलीवरी, डू आई नीड टू टेक द आयरन टैबलेट टिल डिलीवरी? यस, यू हैव टू टेक आयरन टैबलेट टिल डिलीवरी एंड ऑल्सो आफ्टर डिलीवरी. ओके, कि हम लोग आयरन टैबलेट, मैंने बोला कि जो भी मदर का प्रेगनेंसी में जो डिप्लेशन हो चुका रहता है, अगर मान लीजिए मदर डिफिशियंट है, तो हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ डिलीवरी वी है, मतलब अप टू 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी हम लोग आयरन सप्लीमेंटेशन देना शुरू करते हैं देते हैं. क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो भी मदर का रिजर्व है, आयरन रिजर्व, वो सब कम हुआ रहता है, तो वी गिव टू मेंटेन हर आयरन रिजर्व. एंड लक्ष्मी मिश्रा, व्हाट मेडिसिन इज ओके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग, बट जो भी मेडिसिन सेफ है हमारा, कुछ एंटीबायोटिक में सेफ ग्रुप्स है, कुछ यूजुअली एंटीबायोटिक हम लोग सोच समझ के देते हैं, जिसमें सेफलोस्पोरिन ग्रुप इज सेफ, अनदर इज एम्पिसिलिन ग्रुप, एंड पेन किलर्स में कालपोल, ये पैरासिटामोल, एनसेड्स में पैरासिटामोल, इट इज सेफ. वी कांट गिव एवरीथिंग इन द प्रेगनेंसी. सब मेडिसिन हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, हमारा लिमिटेशन हो जाता है. ड्रग, व्हाट इज सेफ इन प्रेगनेंसी, व्हाट इज सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग, सो वी गिव अकॉर्डिंग टू दैट मैनर. ठीक है, तो इसीलिए प्रेगनेंसी में कोई भी दवा देने से पहले यू शुड कंसल्ट योर ऑब्स्टेट्रिशियन कि हमें क्या लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए. जैसे मिर्गी की दवा सब जो आती है, एंटी एपिलेप्टिक आती है या एंटी डिप्रेसेंट आती है, अगर कोई पेशेंट पहले से ले रही है, तो यू हैव टू कंसल्ट योर रेस्पेक्टिव फिजिशियन और योर ऑब्स्टेट्रिशियन कि व्हाट मेडिसिन. जैसे सोडियम वैलप्रोएट है, इट कॉजेज मेनी कॉन्जेनेटल डिफेक्ट्स इन द बेबी. तो जैसे पेशेंट प्रेग्नेंट होती है, वे स्टॉप डेथ्स. हम एकने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं आइसोट्रेटिनोइक एसिड, तो इट इज वेरी डेंजरस, सो वी स्टॉप इट बिफोर द पेशेंट बिकम्स प्रेग्नेंट, नहीं तो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स बेबी में आना शुरू हो जाता है. ठीक है, कैन यू हेल्प अस विथ सम टिप्स विच शुड अवॉइड ड्यूरिंग ईटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? हमारा जो है, जैसे हम लोग कुछ एबोर्टिफेशियन ड्रग्स होते हैं जिनको हम लोग मना करते हैं, जैसे पपाया हुआ, पाइनएप्पल हुआ, या अजवाइन सीड्स, कैरम सीड्स जो होता है, उन सबको वो यूट्रोटोनिक इफेक्ट होता है जो अबॉर्शन में हेल्प करते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग मना करते हैं. या कोई भी दवा लेने, दवा की बात मैं बोलूँ तो जो भी चीज़ है वो बिना अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से पूछे आप नहीं ले सकते हैं. कैन यू सजेस्ट द आयरन मेडिसिन टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन? आजकल बहुत सारे आयरन से यूजुअली गैस्ट्राइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन इज वेरी वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिज आयरन टैबलेट्स. तो आयरन टैबलेट्स को हम लोग इसीलिए खाने के जस्ट बाद एम्प्टी स्टमक लेने बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन अधिक होता है. लेकिन आपको एसिडिटी अगर प्रॉब्लम है तो आप खाने के बाद ले सकते हैं, एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन ये है कि आपको लेना है. फिर उसके बाद है कि अवॉइड कॉन्स्टिपेशन के लिए आजकल कुछ फार्मा कंपनीज ने अपना ये लाया है जिसमें वो साथ में सोडियम डोकोसेट्स या कुछ भी जो है वो लग्जेटिव के साथ आयरन प्रिपरेशन लाए हैं कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो. ब्लैक स्टूल इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द आयरन ऑफ आयरन टैबलेट्स. पेशेंट बोले कि मैडम ब्लैटरन काला हो रहा है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, ये आयरन का साइड इफेक्ट है. हाँ, और साथ में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो यू कैन टेक एनी लग्जेटिव लाइक इसबगोल या फिर लैक्टुलोज विच आर सेफ इन प्रेगनेंसी, यू कैन टेक. और आजकल आयरन प्रिपरेशन के साथ कुछ, मुझे ट्रेड नेम नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ है जिसके साथ वो कंबाइंड वे में आयरन एंड ये देते हैं, लग्जेटिव कैप्सूल के फॉर्म में दे देते हैं, तो यू कैन सर्च इन द मार्केट ऑल्सो. सोफी, सर मैम मेरा 7 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी को और मेरे हेयर्स बहुत डैंड्रफ हो गए हैं और मेरे 4-5 वट हो. यू स्टार्ट टेकिंग मल्टीविटामिन टैबलेट्स, विटामिन बी, बायोटिन जिसमें रिच हो, ये आप खाना शुरू कर दीजिए.
ठीक है, और डैंड्रफ के लिए वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट गिव एनीथिंग, इट जस्ट नाउ यू जस्ट क्लीन योर हेयर रेगुलरली, यू अप्लाई डिसेल्सन शैम्पू और केटोकोनाजोल शैम्पू लोकल एप्लीकेशन, फॉर टैबलेट्स आई डोंट वॉन्ट टू प्रिस्क्राइब नाउ। तो हमने मोटा मोटी क्वेश्चंस तो सब कवर कर लिए, अब हम मैं बताती हूँ कि विटामिन्स जो है हमें डेली लेना है, विटामिन्स में इरेगुलर नहीं रहना है। आजकल प्रोटीन सप्लीमेंटेशन आते हैं, उन्हें भी हमें प्रोटीन लेना है। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन में आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, बहुत सारे कंपनीज के अलग अलग आते हैं, विच एवर सूट्स टू यू यू कैन टेक, बट ये ध्यान रखना है कि इट इज़ फॉर प्रेग्नेंट लेडी, नॉट जनरल प्रोटीन पाउडर। ओके, जैसे मदर हॉलिक्स हुआ, मम्मा प्रोटीन एक्स हुआ, मैक्रोट प्रोटीन हुआ, और काफ़ी कंपनी का, मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ इसमें देख लेना है कि प्रोटीन कंटेंट ठीक हो, DHA हो, दिस इज़ फॉर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो ये आपको लेना है। जैसे आपको प्रेगनेंसी में तो लेना ही लेना है, साथ जब तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तब तक आपको ये प्रोटीन पाउडर्स लेना है। ये आपका जनरल वेलबींग को, आपको प्रोटीन डेफिशिएंट होने से रोकेंगे, नहीं तो आपका मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन अपने लिए भी लेना है और बच्चे के लिए भी लेना है। तो यू हैव टू डू डैट, कि अपने आप को आप वीक नहीं हो जाए तो आपको प्रोटीन सफिशियंट अमाउंट में लेना है, या यू कैन टेक सोया चंक प्रोटीन प्रोटीन पाउडर, यू कैन टेक इफ आप अंडा खाती हैं तो अंडा डेली दो डाइट में अपने शामिल कीजिए, सोया चंक ले लीजिए, प्रोटीन पाउडर अच्छे से लीजिए, पनीर लीजिए, दही लीजिए, ये सब जो है मदर्स का प्रोटीन इंटेक को ये रखता है। और मुझे लगता है कि अब हम आई शुड से गुड बाय टू यू एंड हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।